सरकारी नीतियां या मानसून, आखिर किसने बरसाया किसानों पे सबसे ज्यादा कूड़ा। 2013-14 के दौरान भारत की कृषि विकास दर 3.7% हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में देश की कृषि विकास दर 0.2% पर पहुंच गई है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2014 की माने तो 2014 में ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर 3.6% से घटकर 20% पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा दिखाने के पीछे पीएम मोदी पर या फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर तंज कसना नहीं, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था की हकीकत को देश के सामने लाना है। अब बात कर लेते हैं बीत रहे इस दशक की, 2010 से लेकर 2019 तक आखिर किस तरह कृषि जरूरतों को मोहताज बनाकर रखा गया और किस तरीके से कृषि जरूरतों को पूरा करने में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। 2010 में जब भारत इस सदी के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहा था, तब साल 2008 में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई थी, लेकिन उपभोग वाली चीज़ों की लगातार बढ़ रही जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए भारत पर इसका असर काफ़ी कम देखा गया। लेकिन खास तौर पर ग्रामीण भारत ने इस दौरान अपने खर्चों में कोई कमी नहीं की और पूरी तरह कृषि पर आधारित होने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदना जारी रखा। इससे पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण भारत कितना महत्व रखता है। लेकिन इस दशक के बीच हमने देखा कि किस तरह देश एक गंभीर कृषि संकट से गुजरा और इस दौरान करीबन 44 करोड़ लोगों को इसका असर पड़ा, 44 करोड़ लोग इससे अफेक्ट हुए। अब दबाव बढ़ने का कारण कौन, मानसून या फिर सरकार? एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मानसून। कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट से ली गई डाटा के आधार पर अगर मैं आपसे कहूं, तो 2 जून 2015 को केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान दिया था कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया गया है वह सही साबित ना हो। पर ऐसा नहीं हुआ, वो सही साबित हुआ और साल 2015 के मानसून ने निराश किया और देश के कई हिस्सों में लगातार छठी बार सूखा देखा गया। देश में अनाज की कमी और खाद्य वस्तुओं के महंगे होने का डर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसानों पर ही पड़ेगा। कृषि उत्पादकता में कमी की वजह से उनके पास नकदी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अब ऋण आधारित हो गई है। करीबन 60% हिस्सा जो है जीडीपी का वो ऋण की वजह से, जो कृषि ऋण है इसकी वजह से जीडीपी में शामिल होता है। बहुत अधिक या बहुत कम बारिश के कारण लगातार फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कृषि विकास दर 0.2% पर पहुंच गई है, जो कि कभी 3.7% पर हुआ करती थी। फरवरी 2015 में जारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2003 से 13 के दौरान कृषि ऋण में 24% की वृद्धि हुई। इस दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में केवल 13% की वृद्धि हुई। जानकार इसे एक चिंता का विषय बताते हैं, क्योंकि यह इंगित करता है कि उत्पादन और खपत जैसे विकास कारक या तो स्थिर रहे हैं या फिर घट रहे हैं, लेकिन कृषि जीडीपी ऋण वृद्धि के कारण बढ़ रही है। जो ऋण है उसके कारण कृषि जीडीपी में बढ़ रही है। इस दशक में किसानों की स्थिति कैसी रही? साल 2010 में आंध्र प्रदेश में 54 लोगों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वे ऋण के बोझ तले दबे हुए, जो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लिया गया ऋण था। अब इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कोई नियम कानून नहीं होता, इन्हें बस बड़े ब्याज दर पे अपने पैसे वापस लेने से मतलब होता है और इन पे किसी प्रकार का कोई सरकारी नियम भी काम नहीं करता। वहीं किसानों की कमाई की बात की जाए तो 2004 से 14 के बीच एक किसान परिवार की औसत कमाई 214 रुपये और वह 207 रुपये प्रति माह था, यानी कि एक किसान परिवार एक दिन में मात्र 7 रुपये 13 पैसे कमाता था, जबकि उसका जो खपत था वो 6 रुपये 90 पैसे के आसपास होता था। किसानों की मौजूदा स्थिति आखिर क्या है और किस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति अभी बनी हुई है,
क्या सरकारी नीतियां उन पर अभी लागू हो रही हैं और उन नीतियों का वो कैसे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, इस बारे में एक विश्लेषण हमारे अगले वीडियो में देखना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही।